बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद रिज़वी है। KSC में मैं दूसरी दफ़ा ज्वाइन किया KSC को, आज से कोई 1.5 साल पहले। पहले मैं जब KSC में आया था फ़ौरन प्राइवेटाइजेशन के बाद, और फिर मैं दुबई चला गया, दुबई की यूटिलिटी में काम कर रहा था, और फिर वापस आया KSC में। सिर्फ एक वजह थी, और वो ये कि जब हमने पहले यहाँ काम किया तो अंदाज़ा ये हुआ कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है काम करने का, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह को जब मैं जा रहा हूँ या रात को घर पहुँचता हूँ, तो मेरे वालिद मुझसे कहते हैं कोई बात बता के कि आज इतना प्रॉब्लम रहा, तो बेटा कोशिश करो ये सही हो जाए। तो ये कम से कम बहुत अच्छी फीलिंग होती है एट द एंड ऑफ द डे, के लोगों को हमसे उम्मीद है कि हम इस शहर, इस मुल्क, इस लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खुद घर के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। और सिर्फ यही उम्मीद जो है वो आदमी को रोज़ाना सुबह मोटिवेट करती है कि वो वापस आए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे, ताकि उसके अपने घर वालों को उसका आराम पहुंच जाए। KSC में आजकल जो मैं कर रहा हूं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वॉल्व हूं। कुछ रेंटल पावर के प्रोजेक्ट्स हमने पहले किए, 50 मेगावाट, जो नई मैनेजमेंट ने आते ही किया था, मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था। मेजर मेरा रोल KSC की बेहतरी के लिए वो यही है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लान करना, कंसीव करना कि जो इकोनॉमिकल भी हों और जो ऑपरेशनली KSC के नेटवर्क को ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा सेफ रखें, और हम ऐसे डायरेक्शन में डेवलप करें कि हमारा नेटवर्क जो है वो स्टेबल और रिलायबली ऑपरेट कर सके। जनरेशन वाइज हम इन्हांस जो करें वो ऐसे पॉइंट्स पे इन्हांस करें, ये मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जो लोग टेक्निकल हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, कि जनरेशन को ऐसी जगह पे ऐड करना जहाँ से हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, इन अ लेमैन लैंग्वेज। जो लोग हमारे बारे में मिसकॉन्सेप्शंस रखते हैं वो ये कि पहला वहाँ से शुरू करते हैं कि जनाब ये प्राइवेटाइज क्यों हो गया, इसको किसने ले लिया, ये पैसा कमाने वाला इदारा बन गया है, ये फर्नेस ऑयल बचा रहा है। देखिए, ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, सब लोगों को, कि कोई भी इदारा नुकसान बर्दाश्त करके ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। और हर कंज्यूमर को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है या वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके पैसे देना उसका शरई इस्लामी लिहाज से भी, सोशली और इथिकली हर लिहाज से ये उसका फ़र्ज़ बनता है। वी आर प्रोमिस्ड एंड वी फील दैट वी ओ अ लॉट टू दिस सिटी, टू दिस कंट्री, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो लोगों को हमारा साथ देना, ये इसका बिगेस्ट चैलेंज है।